कहानी की शुरुआत में यूनिवर्सिटी को दिखाया जाता है जहाँ पर मेडिकल रिसर्चर डॉक्टर फ्रैंक और उनकी फियांसे डॉक्टर जोई एक सीरम पर काम कर रहे होते हैं। दरअसल इस सीरम को कोमा में गए हुए लोगों को वापस जिंदा लाना चाहते हैं। इनकी टीम में और भी कुछ लोग होते हैं जिनमें से एक होती है युवा जो उनके पूरे प्रोजेक्ट को रिकॉर्ड कर रही होती है। अब इनका सीरम बन चुका है इसीलिए सीरम को टेस्ट करने के लिए एक डॉग को अपने लैब में ले आते हैं जिसके ऊपर इन्होंने पहले भी टेस्ट किए थे और यह पूरी तरह से मर चुका है। ये देखते हैं उसकी आंखों में कैटरेक्ट है यानी कि आंखों से देख नहीं सकता। इसके बाद इस सीरम को उस डॉग की बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है। जैसे ही डॉग की बॉडी के अंदर सीरम को इंजेक्ट किया जाता है वो वापस से जिंदा हो जाता है। उसकी आंखें भी पूरी तरह से ठीक हो जाती हैं और इन्हें पता चलता है कि इनका सीरम मरे हुए लोगों को यानी कि मरे हुए जीवों को भी जिंदा कर सकता है। अब अपनी इस कामयाबी से ये सब बहुत खुश हो जाते हैं। फ्रैंक और जोई उस डॉग को अपने घर ले आते हैं और देखते हैं कि वो डॉग खाना नहीं खा रहा, उसकी भूख बिल्कुल भी खत्म हो चुकी है। साथ ही रात को जब जोई सो रही होती है तब वो उसके बेड पर आकर उसे घूरना शुरू कर देता है। दरअसल इस डॉग का पूरा बिहेवियर दूसरे डॉग की तरह नहीं होता है। अब डॉग को मशीन के अंदर डालकर उसके ब्रेन को चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है जो सीरम इन्होंने डॉग के ब्रेन के अंदर डाला था अभी वो पूरी उसकी बॉडी में नहीं फैला। अब ये डॉग को वहीं लैब के अंदर बंद कर देते हैं जहां रात को इन्हें टीम का साथी कुछ रिसर्च कर रहा होता है और तभी उसे डॉग के भौंकने की आवाज आती है। और जब वो उस जगह जाता है जहां पर डॉग को केज के अंदर बंद किया गया था तब वो देखता है केज टूटा हुआ है, चारों तरफ सामान फैला हुआ है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता और तभी डॉग उसके सामने आ जाता है। वो बहुत ज्यादा अग्रेसिव होता है, वो उस पर अटैक करना चाहता है पर किसी तरह वो लैब से निकल कर सीधा फ्रैंक जोई और अपने साथियों के पास चला जाता है। उन्हें सब कुछ बताता है कि किस तरह से डॉग ने उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की, किस तरह से वो अग्रेसिव हो गया था, लेकिन उसकी बातों पर कोई भी ज्यादा ध्यान नहीं देता और फ्रैंक को लगता है कुछ न कुछ गड़बड़ है। इसीलिए वो एक बार फिर से डॉग के ब्रेन को चेक करता है। इससे उसे पता चलता है कि डॉग के ब्रेन के सेल अपने आप ही बदल रहे हैं। अगले दिन वो डॉग को लेकर यूनिवर्सिटी जाता है जहां वो यूनिवर्सिटी की डीन से मिलता है। डीन को अब उनके एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया होता है। वो कहती है कि हमने तुम्हें सिर्फ कोमा के पेशेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने की इजाज़त दी थी, तुम नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। हालांकि फ्रैंक उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेडिकल में ये एक नई क्रांति हो सकती है पर वो उसकी बात नहीं मानती और उसके प्रोजेक्ट को यहीं पर बंद करवा देती है। साथ ही उनकी लैब पर छापा भी पड़ जाता है और उन्हें बताया जाता है कि तुम्हारे पूरे प्रोजेक्ट को बड़ी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अब खरीद लिया है इसीलिए अब उन्हें किसी तरह की फंडिंग नहीं होगी। फार्मास्यूटिकल कंपनियां उनके रिसर्च के सारे पेपर रख लेती हैं पर युवा तभी उस डॉग को जिसके अंदर सीरम को इंजेक्ट किया गया था अपने साथ पीछे के रास्ते से निकल जाती है। अब ये सब के सब बहुत परेशान होते हैं क्योंकि उनके पूरे के पूरे रिसर्च को बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल कंपनियों ने अपने अंडर ले लिया होता है पर ये किसी तरह से वहाँ से एक सीरम के पैकेट को साथ लेकर आने में कामयाब हो गए थे। ये तय करते हैं कि अपने एक्सपेरिमेंट को जारी रखेंगे इसीलिए रात को किसी तरह छुप कर ये वापस लैब के अंदर पहुँच जाते हैं और ये दूसरे डॉग पर एक्सपेरिमेंट करने की तैयारी करते हैं। दरअसल ये दुनिया को ये बताना चाहते हैं कि ये सीरम इन लोगों ने बनाया है और अब पूरी तैयारी हो जाती है। जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच के सामने खड़ी होती है और जब वो इलेक्ट्रॉनिक स्विच को ऑन कहती है तो उसको एक बहुत बड़ा बिजली का झटका लगता है जिससे जोई की मृत्यु हो जाती है। फ्रैंक जोई से बहुत प्यार करता है और अब वो तय करता है कि वो सीरम को जोई के ब्रेन के अंदर डालेगा ताकि वो वापस से जिंदा हो जाए। हालांकि फ्रैंक को सभी लोग ऐसा करने से मना करते हैं लेकिन फ्रैंक कहता है मैं जोई को खो नहीं सकता, मैं जानता हूँ ये सीरम काम करता है। और इसके बाद जोई के ब्रेन के अंदर सीरम को इंजेक्ट करता है और एक साथ इलेक्ट्रॉनिक शॉक को ऑन करता है और तभी मॉनिटर पे देखते हैं वहाँ पर एक सिक्योरिटी गार्ड आ रहा होता है। इन सब के सब वहाँ पर छुप जाते हैं, सिक्योरिटी गार्ड वहाँ से चला जाता है तो ये सब के सब बाहर आते हैं और देखते हैं कि जोई अपनी जगह पर बैठी हुई है, उसके मुंह के ऊपर एक सफेद कपड़ा है और जब फ्रैंक उस कपड़े को हटाता है तब जोई का चेहरा और एक्सप्रेशन पूरी तरह से बदले होते हैं, वो पहले जैसे बिल्कुल भी नहीं लग रही थी। अब जोई के दिमाग का MRI कहते हैं, जिस तरह डॉग के दिमाग का सेल बदल रहे होते हैं उसी तरह जोई के दिमाग के सेल भी बदल रहे होते हैं जिससे सबके सब घबरा जाते हैं। फ्रैंक जोई को अपने साथ घर ले जाता है और उसे पता चलता है कि जोई के जिंदा होने के बाद उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ गई हैं। वो किसी का भी दिमाग रीड कर सकती है, वो किसी भी चीज को मूव करा सकती है। जोई मिरर के सामने आती है और जब उसे ध्यान से देखती है तो मिरर चिटक जाता है। दरअसल उस सीरम ने जोई के दिमाग के अंदर बहुत सारे बदलाव किए होते हैं जिससे उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया होता है, उसके अंदर बहुत सारी शक्तियाँ आ चुकी हैं। तभी वहाँ पर वो डॉग आता है जिसके दिमाग में सबसे पहले सीरम को इंजेक्ट किया गया था। वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव होता है, वो जोई की तरफ देखकर गुर्रा रहा होता है। जोई उसे ध्यान से देखती है और उसके दिमाग को कंट्रोल करती है और उस डॉग को वहीं पर मार देती है।
इसके बाद वो फ्रैंक के पास आती है और कहती है कि तुम्हें पता है ना कि मुझे बचपन में एक सपना आता है जहाँ पर एक घर में आग लगी हुई थी। उस आग की वजह से मैं उस वक्त जब मैं मर गई थी उस वक्त मैं हेल में गई थी यानी कि नरक में गई थी। फ्रैंक उसे कहता है कि तुम ज्यादा मत सोचो। इसके बाद वो उसे नींद का इंजेक्शन लगा कर सुला देता है और जब जोई सो रही होती है तो उसके पास ईवा आती है। वो उसे ध्यान से देखने लगती है। इस वजह से जोई उसे भी सपने में खींच लेती है। सपने में जोई और ईवा दोनों उसी घर में होते हैं जहाँ पर आग लगी हुई थी। वहाँ पर वो जोई के बचपन के रूप को भी देखती है। ईवा उससे बात करने की कोशिश करती है पर वो अपने मुंह पर उंगली का इशारा करके उसे चुप रहने के लिए कहती है। इसके बाद ईवा को होश आता है। तब वो फ्रैंक को बताती है कि उसे सपना आया था जिसमें वो जलते हुए घर के अंदर थी जहाँ पर उसने जोई के बचपन के रूप को भी देखा। फ्रैंक बताता है जोई का ये नाइटमेयर है जो बचपन से उसे आता है और अब ये ईवा के हाथों को देखते हैं जो जले हुए होते हैं। ये देखकर सबके सब सॉफ्ट हो जाते हैं क्योंकि अगर वो सपना था तो फिर ईवा के हाथ कैसे जले। वो इस बात का जवाब फ्रैंक से मांगते हैं मगर फ्रैंक कहता है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता और वहाँ से निकल जाता है। तभी इन्हीं के टीम का एक लड़का ईवा को बताता है जो सीरम हमने जोई के दिमाग में इंजेक्ट किया था उससे उसके दिमाग की पावर बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके अंदर सुपर ह्यूमन की एबिलिटी आ चुकी है। वही जोई को दिखाया जाता है जो नींद से जागती है। जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरी तरह से काली होती है। अब वहाँ पर जोई का एक दोस्त आता है जो हमेशा से उसे पसंद किया करता था पर वो देखती है कि वहाँ पर जोई नहीं है और अगले पल जोई उसके पीछे से आती है। अब जोई उसके दिमाग को रीड कर लेती है और वो उसे पसंद करता है इसीलिए उसके करीब जाने की कोशिश करती है पर वो उसे धक्का दे देता है जिससे जोई को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी पावर से उसे उठाकर अलमीरा के अंदर फेंक देती है और अलमीरा को पूरी तरह से क्रश कर देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब जब बाकी के सभी लोग इस जगह पर आते हैं तो देखते हैं कि जोई सोई हुई है। दरअसल जोई इस तरह से दिखाती है कि उसे कुछ भी नहीं पता और इन्हें अब शक हो चुका था कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गलत हो रहा है इसीलिए वो अपने दोस्त को ढूंढने निकल जाते हैं। तभी जोई यहाँ की पूरी इलेक्ट्रिसिटी को कट कर देती है जिससे कोई भी दरवाजा नहीं खुल सकता। अब जोई के सामने ईवा होती है जो ध्यान से देख रही होती है और तभी जोई उससे कहती है कि तुम ठीक सोच रही हो मैं इस दुनिया की नहीं हूँ। ये सुनकर ईवा घबरा जाती है लेकिन तभी वहाँ पर उसका एक और साथी आ जाता है। जोई अपनी पावर से उसकी इलेक्ट्रिक सिगरेट उसके मुंह के अंदर डाल देती है। गले में सिगरेट फंसने की वजह से उसकी मौत हो जाती है और अब जोई यहाँ से गायब हो जाती है। फ्रैंक भी अब ईवा के पास आता है। अब इस जगह पर सिर्फ ये दोनों ही बचे हुए हैं। फ्रैंक एक ऐसा सीरम बनाता है जिससे जोई को मारा जा सके। ये पॉइजन होता है। वो ईवा से कहता है कि तुम किसी भी कीमत पर यहाँ से बाहर मत जाने देना और खुद वो जोई के पास पहुँच जाता है पर जोई दूसरे के दिमाग को रीड कर सकती है इसीलिए वो समझ जाती है कि फ्रैंक उसे मारने के लिए आया है। मगर इससे पहले कि फ्रैंक उसे मारता वो फ्रैंक को खुद मार देती है। फ्रैंक को मारने के बाद वहाँ पर जितने भी सीरम होता है वो सब के सब अपने बॉडी में इंजेक्ट कर देती है जिससे उसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके सामने अब ईवा होती है। इसके पास अभी भी दो इंजेक्शन है जिससे वो जोई को मार सकती है। अगले पल जोई उसके सामने आ जाती है और उसे उठाकर एक कमरे में फेंक कर दरवाजा बंद कर देती है। ईवा देखती है कि एक बार फिर से वो जोई की उसे नाइटमेयर में पहुंच चुकी है जहां पर वो एक छोटी बच्ची है और घर में आग लगी हुई है। जब ईवा उसके पास आती है तब वो देखती है कि जोई के हाथ में माचिस बॉक्स होता है जिससे उसे समझ आ जाता है कि जोई ने घर में आग लगाई थी और सारी उम्र ये गिल्ट उसके दिमाग में था। ईवा जोई के बचपन के रूप से कहती है कि तुमने गलती की थी जिससे कई लोग मारे गए थे लेकिन अब तुम कुछ लोगों को बचा सकती हो। ये सुनने के बाद जोई के बचपन का रूप दरवाजा खोल देती है जिससे ईवा रियलिटी में आ जाती है। यहाँ पर उसके सामने जोई है। वो जोई के बॉडी में इंजेक्शन को इंजेक्ट कर देती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। ईवा ने अपने सभी दोस्तों को खो दिया था इसीलिए वो दुखी में वो निढाल हो जाती है और रोने लगती है और तभी यहाँ पर रेस्क्यू अफसर आता है जो उसे बचाने के लिए यहाँ पर आया है जिसे देखकर उसे बहुत हिम्मत मिलती है और वो उसे सब कुछ बता देती है। लेकिन अगले पल वो उस जगह पर देखती है जहाँ पर जोई की डेड बॉडी थी। अब वहाँ पर डेड बॉडी नहीं होती और ये रेस्क्यू अफसर कोई और नहीं बल्कि जोई। दरअसल जोई ने ईवा को भ्रम जाल में फंसा दिया था। उसे लग रहा था कि उसने जोई को मार दिया है पर यह सिर्फ उसके दिमाग की कल्पना थी जिसे जोई अपने पावर से दिखा रही थी। इसके बाद जोई ईवा को मार देती है और फ्रैंक की डेड बॉडी को उस जगह लेकर जाती है जहां पर सभी एक्सपेरिमेंट किए जाते थे और उसके बॉडी में अपने ब्लड को इंजेक्ट कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि फ्रैंक की आंखें खुल जाती हैं यानी कि फ्रैंक भी जोई की तरह बन चुका है
और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर दें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।